सुप्रभात बच्चों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल फन विद हिंदी। आज की हिंदी क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काल और काल के प्रकार। काल के प्रकार मेनली तीन तरह के होते हैं, जो है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो हम लोगों ने ये तीनों पढ़ा है, उसके कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने देख लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट जो टाइप है, जो भेद है, जो है भूतकाल, उसको डिटेल में, क्योंकि भूतकाल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो काल के एक्चुअली 6 भेद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से भूतकाल होते हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। तो यहाँ पर 6 प्रकार के भेद हैं यहाँ पर काल के। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट हमारा क्या है, सामान्य भूतकाल। इसका मतलब है सिंपल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब तो कोई भी नॉर्मली साधारणतः, मतलब नॉर्मली कोई भी काम जो बीते समय में वो हो गया है, उसे हम लोग कहेंगे भूतकाल। जैसे कि वह कल बाजार गया, सीता राम के साथ वन में गई, रमन ने राधा से विवाह किया, राम ने रोटी खाई, विद्यालय का उद्घाटन हुआ, बच्चों ने किताब पढ़ी। तो ये सारी जो एक्शंस हैं, ये सारी जो क्रिया है, वो भूतकाल में ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, इसीलिए ये सारे जो सेंटेंस है वो सामान्य भूतकाल में आएंगे, यानी सिंपल पास्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा भेद है भूतकाल का, वो है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, अ ऐड करने से क्या हो गया, ये ऑपोजिट वर्ड हो गया, अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट। जो काम जो है वो स्टार्ट तो हुआ, लेकिन अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूअस है। जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में जारी रहने का ज्ञात होता है, वैसी क्रिया जो भूतकाल में हुई और उसमें वह जारी थी, यानी जारी थी मतलब वो कंटिन्यूअस थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता पढ़ रही थी, सीता वॉज स्टडी, ठीक है, सीता पढ़ रही थी, श्याम जा रहा था, दैट एक्शन वाज हैपनिंग एंड इट वाज अ कंटिन्यूअस एक्शन। ओके, कि श्याम जो है वो जा रहा था, ही वाज गोइंग। गोइंग इज नॉट जस्ट वन पॉइंट ऑफ टाइम थिंग, राइट? सो वो जा रहा था, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। राधा गीत गा रही थी, गीत जब हम लोग गाते हैं, सॉन्ग गुनगुनाते हैं, तो क्या वो एक गाना, एक लाइन तो नहीं होता ना, बस बहुत सारे उसमें लाइन्स होते हैं। ममता तब जा रही थी, मीना नृत्य कर रही थी, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे, सीता बाजार जा रही थी, राधा पूजा कर रही थी। तो ये सारे एक्शन जो है वो था, थे, थी, है, इसमें लगे हुए, तो ये भूतकाल में हो गए। और क्योंकि ये सारे कार्य कंप्लीट नहीं हुए थे, वो एक प्रोसेस में चल रहे थे, कंटिन्यूअस थे, इसलिए इन्हें कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। थर्ड वाला जो टाइप है वो है पूर्ण भूतकाल, ये यानी कि पूरा काम हो गया है। कब हुआ है, भूतकाल में ही हुआ, लेकिन किस तरह से हुआ वो हम लोग देखेंगे। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चला चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मीन्स वी आर श्योर कि वो जो काम है वो भूतकाल में पास्ट टेंस में कंप्लीट हो गया था। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। ममता अभी गई थी, मीना नृत्य कर चुकी थी, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी थी,
सीता बाजार जा रही थी, राधा ने पूजा कर ली थी, राम पुरस्कार पा चुका था। तो ये सारे जो एक्शंस हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे, पूर्ण हो गए हैं, इसलिए ये भूतकाल में आएंगे। और कौन से भूतकाल? पूर्ण भूतकाल में आएंगे। ओके चिल्ड्रन, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रीसेंट पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप में काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अभी अभी, जस्ट इट गॉट ओवर, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे आसन्न भूतकाल। ममता अभी गई, ममता गई वो हम लोग को मालूम, लेकिन वो जस्ट अभी गई, वो जो वर्क है जाने का, गोइंग, वो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। मीना गई है, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है, मैं अभी हिसार से आया हूँ, मैंने सेब खाया है, अध्यापिका पढ़कर आई है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, ये किसके उदाहरण है? आसन्न भूतकाल के, क्योंकि ये सारे कार्य जो है, जो क्रिया इसमें हो रही है उसके समय का हमें ये पता चल रहा है कि वो अभी अभी खत्म हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो भेद है भूतकाल का है वो संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता है कि कुछ डाउटफुल, कि वो कैसा है, क्या है, मुझे क्लियर पता नहीं है। ठीक है, वो डाउटफुल पास्ट टेंस होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है, यानी कि जो क्रिया हुई है वो भूतकाल में हुई है लेकिन उस पर संदेह है, हम लोग श्योर नहीं है, हम लोग डाउटफुल है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण से आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वह इलाहाबाद चली गई होगी, हम लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो कोई पर्सन है, वो चली गई होगी, क्योंकि इस टाइम तक उसे चला जाना चाहिए था, इसलिए हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट श्योर, वी आर डाउटफुल। विवेक लखनऊ पहुंच गया होगा, ठीक है, तो उसकी टाइम होगी वहां पहुंचने की, तो इसलिए हम लोग ऐसा डाउट कर रहे हैं कि वो पहुंच गया होगा। राधा ने खाना खा लिया होगा, सिमरन हिसार गई होगी, वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होगी। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, उदाहरण जो है, वो हमें एक कंफर्म आंसर नहीं दे रहे हैं कि वो एक्शन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा भूतकाल में, इसलिए हमें डाउट है, संदिग्ध है उस पर। तो इस इन सभी सेंटेंसेस को हम लोग कहेंगे किस काल में वो लिखे हुए हैं? संदिग्ध भूतकाल में। ओके चिल्ड्रन, अब लास्ट वाला जो टाइप है, सिक्स्थ टाइप, वो हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में हेतु मद भूतकाल। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंडीशनल पास्ट टेंस। कंडीशन, यहाँ पे हम लोग कंडीशन देखेंगे कि जिन क्रिया पदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत वो मिलता है, परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाया, तो कुछ रीजन है, कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कि अगर ये होता तो वो हो जाता, वो एक्शन तो हुए हैं लेकिन कुछ कारण से, कुछ रीजन से वो कंप्लीट हो सकते थे, इस तरह से उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, यदि राधा आती तो श्याम होता। ठीक है, यदि राधा आती, राधा अगर यहाँ पर आती तो श्याम भी होता। यहाँ पे कंडीशन है कि यदि राधा होती, इफ राधा इज द, देन श्याम शुड हैव कम। यदि वे बाजार जाते तो शोर मचाते, अगर हो सकता, बच्चों के बारे में ये बात की जा रही है कि यदि कि वे बच्चे जो हैं बाजार अगर जाते तो वो बहुत शोर मचाते। मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वह जाता। ये सारे जो
सेंटेंसेस हैं, उदाहरण है, वो उसपे कुछ ना कुछ कंडीशन दिया गया है कि अगर ये होता तो ऐसा होता, अगर वो होता तो वैसा होता, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं हेतु मद भूतकाल काल में लिखा गया है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। इन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।